हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज मैं देखो आपके लिए मशीन का एक ऐसा स्वेटर मैंने बना रखा है, क्रॉप टॉप सा, क्रॉप स्वेटर कार्डिगन और ऐसा कुछ ये देखने को आपको मिलेगा। आप थंबनेल में फ़ोटो देख सकते हो। फ्रंट में मैंने ऐसे सिंपल केबल्स डाल रखे हैं सिंगल सिंगल और फोर मैंने वुडन बटन्स लगा रखे हैं। पूरा स्वेटर जो है मैंने मशीन में निट कर रखा है और ये जो वूल मैंने यूज़ कर रखी है ये है वर्धमान का बेबी वूल, लेवेंडर कलर है ये, जो कि आजकल काफ़ी ट्रेंड में चल रहा है कलर गर्ल्स का। तो ये स्वेटर मैंने खुद के लिए बना रखा है और आपको अगर सेम ऐसे ही क्रॉप बैगी जैसा कुछ ऐसा कार्डिगन निट करना होगा तो आप मेरे यही मेजरमेंट्स को फॉलो कर सकते हो। बाकी मैं इसके लिए आपको बता दूँ तो फिर जो मेरा स्वेटर का लेंथ है, ये पूरा जो मेरी स्वेटर की पूरी लेंथ है, ये लेंथ है मेरी 20 इंचेस का मेरा लेंथ होगा और विड्थ है मेरी 40 इंच ले रखी है मैंने, क्योंकि थोड़ा सा बैगी है तो फिर 40 इंच मैंने विड्थ ले रखा है। और स्लीव्स का है 21 इंचेस मैंने इस आस्तीनों को ले रखा है। ठीक है, आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, तभी आप एक प्यारा सा ऐसा कोजी इतना अच्छा सा स्टाइलिश सा स्वेटर बना पाएंगे। ठीक है, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आप ये देखो, ये मेरा लेवेंडर कलर है, मैंने ये बेबी वूल होती है जो ना वर्धमान का बेबी वूल मैंने ले रखा है लेवेंडर कलर। ठीक है, अब हम इसमें मैं शुरुआत करती हूँ अपना पहले फ्रंट पोर्शन का, एक साइड का बनाना। ठीक है, तो उसके लिए मैंने निडल सिलेक्टर ले लिया है और मैं यहाँ पर को अपने फंदे सिलेक्ट कर लूंगी। तो मुझे चाहिए यहाँ पर को 66 to 68 फंदे काफी होंगे। ठीक है, तो मैं इनको काउंट कर लेती हूँ। 20 इसमें आते हैं, 20 ये हो गए हैं, 22 24 25 26 27 28 29 30। ठीक है, तो ये मेरे 66 फंदे हो गए, तो मैंने 33 जो हैं आगे कर लिए हैं। 33 आपने आगे कर लेने हैं, फिर बाकी हम इसके बाद बिनना शुरू करते हैं इसको। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर देखो आप कैरिज में अपना वूल लगा लिया है, कैरिज में वूल लगाया। अब यहाँ पर से मैं इसका नंबर कर देती हूँ 5 में। ठीक है, हमने जो ये पट्टी बनानी है ये चलेगी हमारी 5 नंबर पे, ये मैंने करा। अब इसके बाद अब अपना ये कांटा लेंगे और इसको इसमें लगा लो, फंदे हमने इसमें लगा लिए। ठीक है, फंदे मैंने सारे चढ़ा लिए, अब मैं लगा लूंगी इसमें वेट और मैंने इसकी काउंटिंग दे देनी है। इसको मैं 6 नंबर में रख रही हूँ मशीन को। इसमें मैंने यहाँ पट्टी बनानी है तो पट्टी के मैं राउंड चलाती हूँ 56 राउंड में हमारा ये काफी रहेगा। ठीक है, ये मेरे 56 राउंड्स कंप्लीट हो गए हैं। अब मैं इसका जो पट्टी है इसको पलट लेते हैं। पट्टी पलट लेंगे, बीच में आप अपने वेट डाल लो और फंदों को निडल सिलेक्टर से आगे कर लेंगे। ठीक है, पट्टी पलट ली। अब इसके बाद अपने दो रोज चला लो आप 10 नंबर पे। नंबर को मैं कैरिज का नंबर 10 कर दूंगी और दो रोज चला लूंगी। ठीक है, अब आपके ऊपर डिपेंड है, आप इसको पूरा प्लेन बनाना चाहो और या फिर आप इसमें केबल्स निकालना चाहो। तो मैं तो इसमें जो है केबल्स निकाल रही हूँ, तो उसके लिए मैं को ऐसे वाले दो निडल सिलेक्टर चाहिएंगे, प्लस चाहिएंगे। दोनों साइड आप बराबर करके बीच में अपने फंदे छांट लेंगे, 11 फंदे। ठीक है, ठीक है, बीच में आप अपने 11 फंदे छांट लो। ये मैंने अपने 11 फंदे छांट लिए। अब मैंने 11 के बाद 12वां और इधर साइड दोनों फंदे एक एक आगे कर रखा है, इनको मैं निकाल के अगले फंदे में डाल लूंगी। ये करा, अब इसके बाद 4 और 3 के क्लच से हम अपना डिजाइन निकालेंगे। तो जो फंदा पीछे करा उसके बाद आप 2 फंदे छोड़ के 3 फंदे उठाओ अपने क्लच पे, उठाए इधर साइड से 4 फंदे उठाएंगे, 4 और 3 का ऐसे करके बनेगा। ठीक है, 4 इधर साइड से उठाए, तो राइट साइड का जो आपने 4 उठाए हैं ना, पहले आप इनको डालो
इधर साइड, ये करा अब इधर साइड का जो लेफ्ट के हैं इनको डालो आप इधर साइड, ये आपने कर लिए। ऐसा मैंने इसलिए करा है, चार चार इक्वल इसलिए नहीं करे हैं क्योंकि चार और तीन में ज्यादा अच्छा आता है आगे साइड से देखने में, उभार आएगा। ठीक है, ये मैंने फंदे आगे इसलिए कर लिए हैं आसानी से मशीन हमारी चल जाएगी। ये करा, मोड़ में थोड़ा सा दिक्कत होती है, इसको हम अच्छे से कर लेंगे। ये करा, अब मैंने इसमें 12 रोज अपनी बना लेनी है, 12 लाइनें। बारह लाइनें मैंने बनाई, ऐसा कुछ आपको यहाँ पर केबल दिखेगा। तो यही चीज अब आप रिपीट करते हुए चलो जो मैंने आपको केबल्स बताए हैं। कितना लेंथ मैंने इसकी बगल तक बनानी है मैं आपको केबल्स बता दूंगी, अभी बना के लेके आती हूँ आपके सामने। आप अब ये देखो ना, मेरा जो है इसका लेंथ कुछ इतना हो गया है। ये मेरा 12 इंच मुझे चाहिए था बगल से नीचे, तो ये मेरा 12 इंच लेंथ हो गया है। इसमें मेरे आ रहे हैं एक दो तीन चार पाँच छ और आधा, 6.5 मोड़ आ रहे हैं जो कि 12-12 के हैं। ठीक है, 12 लाइन का एक मोड़ जैसे कि मैं बताती हूँ, तो ये मेरे 6.5 मोड़ आ रखे हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अपना आगे का गले का शेप और बगल का शेप देंगे। ठीक है, तो आप ये देखो इधर साइड से मैं स्पेस की बगल निकाल रही हूँ इधर से। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, अपने 5 फंदों को घटा लेंगे। ठीक है, फंदे कैसे घटाने हैं आप ये देखो, पहला फंदा आपने निकाला, अगले वाले में डाला, ये डाला, इसको आगे कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद इसमें धागा क्रॉस कराएंगे और पीछे कर लिया, ऐसे करके हम ऐसे करके अपने 5 फंदे घटा लेंगे। धागा आगे, ये करा, फंदा दूसरे में चढ़ाया, फंदा आगे करा, धागा क्रॉस, ये निकाल लिया। तो ऐसे करके हम अपने 5 फंदे घटा लेंगे। पांच फंदे घटाए, अब इसके बाद मैं अपनी फर्स्ट रो चलाऊंगी इधर। ठीक है, 5 फंदे जैसे मैंने यहां से बगल घटाई है, तो अब हम करेंगे इधर साइड से एक फंदा। ठीक है, इधर साइड से यहां से मैंने एक फंदा निकाल के अगले में डाल दिया, ये आ रहा है मेरा गले का शेप, ये कर दिया। अब नॉर्मली हम इसको चला लेंगे। ठीक है, ठीक है, आप ये देखो यहां से मैंने 5 मारे, फिर 4 मारा। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर 3 घटा दिए, तो 5 4 3 2 1 ऐसे करके हम इधर से घटाएंगे। अब आप एक चीज यहाँ देखिए, जो आप हमारा यहाँ से गले का जो शेप आएगा ना, आपने शुरुआत में 2 लाइनों में घटाया, पहले यहाँ पर एक फंदा घटाया, 2 लाइन चलाई, फिर एक घटाया, फिर 2 चलाई, तो 4 लाइनें हो गई। 5वीं 6वीं में मैं यहाँ पर को नहीं घटाऊंगी। ठीक है, तो ये आप ध्यान दे रहे हैं, जैसे कि हम 12 लाइनों का हमारा एक मोड़ चलता है ना, तो उसके अंदर आपने 1 2 3 4 में घटाना है, 5 6 में नहीं घटाना है, 7 8 9 10 में घटाएंगे, 11 12 में नहीं घटाएंगे। तो ऐसे करके आपके एक मोड़ के अंदर 4 फंदे घटेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा आप समझ के चलना, तभी आपका जो यहाँ का शेप आएगा ना, ये ठीक आएगा। बाकी ऐसे करके मैं इसको पूरा नेट कर लेती हूँ। बगल हमने घटाने के बाद अपना बगल की साइड से नहीं फंदे घटाएंगे, बगल अपनी जो जितनी भी घटती है सारी बगल घटाने के बाद सिर्फ गले की साइड से शेप जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं ना, यहाँ से तो मेरी बगल पूरी घट गई है, आपका बगल घट के कुछ ऐसा शेप आ जाएगा। बगल आपने जब घटा ली है, अब आप इसके बाद क्या करोगे ना, अपना सिर्फ गले की साइड से शेप दो। यहाँ पर को मेरी 4 लाइनें हो गई हैं, तो 5वें 6वें में हमने नहीं घटाना है, तो मैं प्लेन चला लूंगी 5वीं 6वीं। ठीक है, अब मैं घटाऊंगी 7 8, एक फंदा घटाऊंगी तो 2 लाइन चलाऊंगी, ऐसे करके मैं इसको पूरा बगल बना लेती हूँ। बगल से ऊपर मुझे जितना भी इंच चाहिए मैं बना के लेके आती हूँ, फिर आपको दिखाऊंगी। ये आप देखो ना, यहाँ पर से मेरी बगल थी, यहाँ पर से आधा मोड़ तक था ना, तो फिर मेरे 1 2 3 4 5 और आधा, तो टोटल मेरे 6 मोड़ बगल से ऊपर हो गया, जो कि मुझे इनफ है मेरा स्वेटर बनाने के लिए, इतना मोड़ काफी है। ठीक है, फ्रंट से आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा।
ठीक है, ये हो गया मेरा। अभी जो फंदे घटाने का था ये मैंने कंटिन्यू वैसे नहीं घटाए फंदे, एक मोड़ में फिर मैंने दो दो का हिसाब डाल दिया था, तो दो दो करके फंदे घटाए थे सिंगल सिंगल, एक मोड़ में कहीं कहीं पर मेरे दो फंदे घटे, तो टोटल मेरे बगल से ऊपर 6 मोड़ हो गया है। ठीक है, अब मैं इसको हटा लेती हूँ, ऐसा ही हम दूसरा बना लेंगे। दूसरे में आपने ये ध्यान देना है जब आप बनाओगे पूरा सेम यही चलेगा, बस दूसरे की जो बगल निकलेगी लेफ्ट साइड से निकलेगी, इधर साइड से गले का शेप निकलेगा। ठीक है, इस चीज का ध्यान दीजिएगा, बाकी प्रोसेस पूरा सेम चलेगा। लास्ट में आप गिन लेना जितने फंदे आपके इसमें बचे हैं, इतने ही फंदे आपके दूसरे वाले पेस में भी बचने चाहिए। इनको मैं सिलाई में निकाल लेती हूँ, इसके बाद मैं आपको बताती हूँ अब इसका पीछे का पेस, पीछे का बैक पोर्शन कैसे बनेगा। ये देखो आप, जैसे ये मेरा फ्रंट का पोर्शन बन गया है ना, अब आपने पीछे वाले पीस में कैसे करके फंदे करेंगे, आप ये देखो फ्रंट में जैसे हमारे 66 थे, ठीक है, टोटल 66 फंदे थे, तो फिर मैं इसमें टोटल कर देती हूँ 120 पीछे वाले पीस में। ठीक है, इसके लिए मैं निडल सिलेक्टर की हेल्प से अपने सारे फंदे जो है यहाँ पर वो 120 फंदे अपने निकाल देती हूँ। ये मैंने कर लिया, प्रोसेस पूरा सेम वही जाएगा जो कि हमने नॉर्मली चलाया था। 5 नंबर में 56 लाइनें जैसे कि आगे के पेस में था, सेम वही जाएगा। 6 नंबर में हमारी 56 लाइनें मैं चला के इसको डबल कर लेती हूँ, जैसे कि मैंने फ्रंट पोर्शन में आपको बताया वही चीज करेंगे। आप ये देखो मैंने अपना जो बैक पोर्शन है ना, इतना मैंने कुछ इसको ऐसे बना लिया है। ठीक है, अब आप देखो मैं इसमें केबल नहीं डाल रही हूँ, जो केबल्स लहूंगी मेरी सिर्फ फ्रंट के फ्रंट पोर्शन में जाएंगी, तो इसको मैं पूरा प्लेन नेट कर लेना है। आप अपने मोड़ को काउंट कर लो, जितने भी आपके मोड़ है उतना ये बगल तक चला जाएगा। तो जैसे मैंने 6.5 मोड़ बनाया है, तो 6.5 मोड़ का मतलब कि मैं इसमें 78 रोज अपनी बना लेती हूँ, क्योंकि 12 लाइनों का हमारा एक केबल है। ठीक है, 78 रोज मैं इसको बना के लेके आती हूँ। फिर उसके बाद हमने बगल घटा लेनी है दोनों साइड से, नॉर्मली वही चला जाएगा जो कि हमारा आगे का पोर्शन गया था। ठीक है, बैक पोर्शन मैं बना के लेके आती हूँ, फिर मैं आपको स्लीव्स बताती हूँ कि स्लीव्स कैसे बनेंगी इसकी। जैसे ना, तो हम इसको हम कर लेंगे अपने 70 फंदे हम आगे कर लेंगे। ठीक है, ये मैं निडल सिलेक्टर की हेल्प से 70 फंदे आगे कर लूंगी, 70 का आधा 35 आगे करेंगे। ये हो गए मेरे 35 फंदे आगे। ठीक है, वही करेंगे अपना 4 नंबर में मशीन रखेंगे अभी हम, क्योंकि हमको स्टार्टिंग का पट्टी जो चाहिएगी टाइट चाहिएगी, और फिर उसके बाद हमारा थोड़ा सा बैगी लुक आएगा स्तीन का, तो उसके लिए हमको 4 नंबर में मशीन चलाएंगे, वही 56 रोज चलानी है अपने। ठीक है, ये मैंने एक कांटा लगा के वेट लगा लिया है, और मैं अब इसको 56 लाइन चला लेती हूँ। मैंने अपना जो आस्तीन का पट्टी था वो मैंने फोल्ड कर ली है, मशीन को रख लोगे आप 10 नंबर में। पहले मैं चलाती हूँ 2 लाइनें, ये मैंने 2 लाइनें चलाई। अब इसके बाद आपने क्या करना है, हम आस्तीन में शेप देने के लिए फंदे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, पहले आप 4 लाइनें बिनो, 4 आपने 4 लाइनें बिनी। अब 4 लाइन के बाद आप क्या करोगे, एक एक फंदा आपने दोनों साइड से बढ़ा देना है। 5वीं और 6ठी लाइन में हम फंदा बढ़ाएंगे। ठीक है, हम इसको बनाएंगे शेप, एक यहाँ से आगे कर दिया, एक यहाँ से शेप, हम इसको वैसा ही बना रहे हैं जो कि हमने केबल्स के अनुसार। ठीक है, केबल्स का आप ध्यान रखिए 12 लाइन का एक केबल होगा, 5, 6, 2 लाइन चला ली। अब इसके बाद 7, 8, 9, 10 हम प्लेन चलाएंगे, 10, ये 10 लाइन तक चला। अब फिर से आपने एक एक फंदा दोनों साइड से आगे कर दो, 11वां और ये 12वीं। ठीक है, तो हमारा एक मोड़ हो गया। यही जो प्रोसेस मैंने आपको बताया, 4 लाइन प्लेन, 2 में बढ़ाया, ये प्रोसेस आप करोगे 9 मोड़ तक का। 9 मोड़ मतलब कि 108 लाइनें, 12 को आप 8 से गुणा कर दो, 108 लाइनों तक का आपने इसी प्रोसेस को रिपीट करना है।
अब ये देखो मेरे 108 लाइन तक का जो है मैंने वही प्रोसेस रिपीट करके बना लिया है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब हम यहाँ पर से इसमें बगल का शेप दे देंगे, तभी जो हमारा आर्म होल जो इतनी बड़ी आई है उसको हम तभी कवर कर पाएंगे। ठीक है, तो दोनों साइड से आपने एक एक फंदा एक के ऊपर एक डाल दो, आप एक के ऊपर एक डाला, दो लाइन चलाई। ठीक है, दोबारा से एक के ऊपर एक फंदा दोबारा से डालेंगे। ठीक है, ये चीज आपने करी चार बार, एक दो तीन चार में आपने फंदे घटाए। अब पांचवी और छठी लाइन जो जाएगी आपकी, पांचवी और छठी लाइन प्लेन चला दी। ठीक है, दोबारा से सातवीं और आठवीं लाइन में दोबारा यही करेंगे, सात आठ हो गया। अब उसके बाद नवी दसवीं लाइन में भी यही प्रोसेस जाएगा, नौ दस ग्यारहवा बारहवा लाइन प्लेन चलेगा, इसमें आप फंदे नहीं घटाओगे, ग्यारहवीं और ये बारह। ठीक है, इसी प्रोसेस को आप रिपीट करेंगे, हम यही प्रोसेस चलेगा हमारे मोड़ में भी, आपको बता दूंगी। पहले मैं इसको बना लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको इसको दिखाती हूँ। हमारा इसमें भी चार मोड़ तो हम नहीं चलाना ही है, वही प्रोसेस चलेगा जो मैंने आपको पहले बता दिया है। आप इन चीजों को नोट करते हुए चलिए, तभी समझ आएगा फंदे कैसे घटाने हैं, कैसे बढ़ाने हैं, आर्म होल कैसे निकालना है, इन सब चीजों को आप नोट करते हुए चलिएगा। अब आप ये देखो ना, जो मेरा जो फंदे मारने का जो था, ये मैंने अपना चार मोड़ कंप्लीट कर लिया है 48 रोज तक का। ठीक है, ये जो है मेरी लेंथ हो जाएगी, आप इसको अपने लेंथ के अकॉर्डिंग बनाइएगा जितना भी आपको चाहिए। मेरी लेंथ इतना इनफ होगी, तो अब इसके बाद मैं इसको अपना सिलाई में निकाल लेती हूँ। मेरा पहला स्लीव्स भी बन चुका है, इसको मैं सिलाई में निकाल लेती हूँ, फिर हम इसके फंदे घटाना वगैरह सिलाई वगैरह मैं उसके बाद आपको बताती हूँ। अब आप ये देखो ना, ये है मेरा फ्रंट, ये है मेरा बैक पोर्शन। ठीक है, और ये है मेरे दोनों के दोनों फ्रंट पोर्शन। अब हम इसमें आगे का हम इसका फ्रंट का पट्टी बनाएंगे। ठीक है, तो उससे पहले आप क्या करोगे, इन दोनों को आप अटैच कर लो, इधर के फंदे और इधर के फंदों को हम अटैच कर लेंगे। बीच के जो फंदे बचेंगे पीछे के पेस में, उनको आपने घटाना नहीं है, उनको सिलाई में ही रखना। और दोनों साइड के फंदे इनको आप कंधों को ज्वाइंट कर लेंगे। ठीक है, दोनों कंधे में ज्वाइंट करके लेके आती हूँ मैं, फिर उसके बाद आपको बताती हूँ इसके बाद हम आगे क्या प्रोसेस चलेगा हमारा। फंदे घटाने का जो तरीका होगा इसको आप देख लो एक बारी, दो मैं आपने अलग अलग फंदे डाले हैं, तीसरी सिलाई से आप पहला फंदा पकड़ा आपने और दूसरी सिलाई का पहला फंदा, तो दोनों फंदों को पकड़ के ऐसे करके एक कर देना है आपने। ठीक है, ये आपका फंदा कंधे ज्वाइंट करने का तरीका होगा, ऐसे करके आप इसको दोनों साइड के कंधों को जो है ना ज्वाइंट कर लीजिए। अब आप ये देखो ना, मैंने कंधे अटैच कर लिए हैं, तो अब मैं बनाऊंगी इसका फ्रंट का पट्टी। ठीक है, फ्रंट की पट्टी आपने कैसे बनानी है, आप ये देखो ऐसे करके आप बराबर में अपना नीचे का जो डबल पट्टी है ना, इसको आप ऐसे करके बराबर में कर लो। अब आप क्या करोगे, सबसे किनारे में डबल पट्टी के दोनों पोर्शंस में ऐसे करके फंदा उठाओगे। ठीक है, पूरे जस्ट किनारे में, पूरे किनारे में होना चाहिए, इसको चढ़ाओ आप अपनी सुई में, यह आपने चढ़ाया। ठीक है, ये करा आपने। अब इसके बाद जस्ट उसके बगल वाला, तो ये एक फंदा छोड़ के आपने ऐसे करके इनको डालना है। ठीक है, बहुत ज्यादा आपने दुराई नहीं करनी है, इसको आप अपने हिसाब से करेंगे, आपका हाथ जैसे करके बैठता है थोड़ा सा, लेकिन फंदे आपने सही तरीके से उठने हैं, दूर अगर कर दोगे तो शेप नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो अच्छा शेप लाने के लिए हम इसको बहुत दूर भी नहीं करेंगे, बहुत ना ही पास जाएगा, ऐसे करके आप एक फंदा छोड़ छोड़ के पूरे आगे की एक साइड का, सिर्फ आगे की एक साइड में हम ऐसे करके फंदे उठा लेंगे। ये
देखो ना, मैंने पूरा इसका जो है ना, ये पूरी रो मैंने ऐसे करके यहाँ पर को फंदे उठा लिए हैं, ठीक है। ये सिर्फ मेरा फ्रंट पोर्शन है लास्ट एंड तक, ठीक है। अब मैं इसको निट कर लेती हूँ पहले, फिर उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि ऐसा पट्टी पूरा निट करके कैसा लुक आएगा, ठीक है। फंदों को पूरा आप आगे रखिएगा और नंबर हम इसमें रख देंगे अपना 6 में, ठीक है। पहली रो आप चला लो इसमें आराम से अपना। ये रो चलाई, अब मैं आई सेकंड रो में ऐसे करके, ठीक है। आप इसको नॉर्मली ऐसे करके बिन लो। अब आप ये देखो, ये मैंने ऐसे करके इतनी 40 लाइनें अपनी बिन ली हैं, ठीक है। अब हमने करना क्या है, यहां पर से हम इसमें उठाएंगे सुई में। ये मैंने सुई पकड़ ली है, सुई में आप इन फंदों को ऐसे करके उठाओ, ठीक है। ये फंदों को आपने पूरी, जितनी भी आपने पट्टी के फंदे बनाए हैं, सारे फंदे आपने इसमें उठा लेने हैं। तो आप ये देखो ना, मैंने फ्रंट और बैक पोर्शन को ऐसे सिलाई कर ली है, और जो पट्टी वाला पोर्शन था ये मैंने सिल लिया है। आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, ठीक है। जो हमने 40 रोज करे हैं उसमें 20 इधर आ गए, 20 के इधर आ गए, ये ऐसे करके मैंने कर लिया है। अब मैंने इधर से इसका अभी नहीं स्टिच कर रखा है, मैं आपको बता देती हूँ। जो कि आपके पास हमने तागा छोड़ा था ना लंबा, हमने सुई में डाले थे यहाँ पर से, तो इसको आपने ऐसे करके पूरा खींच लेना है ऐसे तागे को, ठीक है। लूज लूज करेंगे, टाइट नहीं करना है, वरना पट्टी जो है ऊपर को हो जाएगी। ये करा, इस तागे को अभी आप छोड़ो। यहाँ पर से मैंने सुई में दूसरा तागा डाला है, दूसरा तागा डाल के अब आपने इसको ऐसे उल्टा करोगे आप, ठीक है। उल्टा करके ये वाला जो पोर्शन है ना, इस पोर्शन को आप यहाँ पर को इसको पहले सिल लेंगे। सिलाई हमने इसकी नॉर्मल ही कर देनी है, जैसे हम लोग नॉर्मल स्वेटर सिलते हैं। नीचे की पट्टी को पहले हम इसको सिल लेंगे। ठीक है, ये आपने सिल लिया। अब इस वाले पोर्शन को करेंगे हम, ठीक है। ये हमने सिल लिया, अब इस वाला जो आपके पास तागा है ना, इसको आप डाल लो सुई में। इसको डाल लेंगे सुई में और इसको अब आप ऐसे पलट लो। ये देखो ना, जब मैं इसको ऐसे करके टर्न करूंगी, अब मैंने इसको सिल लेना है। अब आप इसको देखो कैसे सिलोगे, थोड़ा पोर्शन आप इसका लोगे, थोड़ा पोर्शन आप इसका लोगे। नॉर्मली जैसे हम सिलते हैं ना ऐसे, आप देखो मेरे हाथ को, नॉर्मल ही सिलाई करनी है आपने। बस ऐसे करके आप इसको पूरा सिल लोगे। एक चीज आप और देखो, जब आप ये एक साइड का इधर का जब ये सिल लोगे ना, तो आपके पास पीछे का पोर्शन जो मैंने बनाया था ये कुछ ऐसा दिखेगा। तो अब आपने पहले इसको और इसको अटैच कर लेंगे, इसको और इसको अटैच करेंगे लंबाई में, इसको पहले पूरा सिल लेंगे, फिर जाके हम इसको डबल सिलेंगे ऐसे, तब जाके हमारा ऐसा कुछ शेप आएगा, ठीक है। मैं इसको पूरा स्टिच करके लेके आती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका कैसा लुक आया है। अब ये मैंने ऐसा कुछ सिल लिया है, पूरा जो मेरा पट्टी है ना, आप देखो ऐसे फिनिशिंग के साथ आ गई है पूरी, ऐसा ही आपका भी आना चाहिए। अब इसके बाद बात होती है कि अब हमने आपने आर्म होल कैसे सिलनी है ऐसे वाले स्लीव्स में। ये पोर्शन देखो आपने, अब मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ उसके बारे में। ये जहाँ पर तक मैंने सिलाई कर रखी है ना, ये पोर्शन है जहाँ तक हमने फंदे बढ़ाए थे, पर जहाँ पर से हमने फंदे घटाए थे वो है ये वाला पोर्शन, ठीक है। लास्ट में सिलाई में लेने के बाद हमने इन फंदों को घटाया, ठीक है। ये है पूरा मेरा आस्तीन। तो अब आपने इसको कैसे करना है, आस्तीन को आप करोगे सुलटा, पहले आपने ये सिलाई कर लेना, ठीक है। आस्तीन करोगे सुलटा, स्वेटर रहेगी आपकी उल्टी, ठीक है। इसके अंदर से आप इसको ऐसे डालो, और ये जो आस्तीन है आपका, आस्तीन का बीचों बीच का पोर्शन आप पकड़ लोगे, ये है, और इसको रखोगे आप यहाँ पर को, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर को अब आप सुई में अपना तागा लो, नॉर्मल यहाँ पर पहले एक टांका लगा लो, ठीक है। ये हमने लगा लिया टांका, ये कर लिया। अब आपने ऐसे करके शेप देना है कि जो ये वाली सिलाई है, आस्तीन की ये सिलाई और स्वेटर की ये सिलाई दोनों आपस में मिलेंगी, ठीक है। और पूरा आस्तीन जो है ना ऐसा सिला जाएगा, यहाँ पर तक
फिर ऐसे अब फिर आप जब यहाँ पर बचोगे ना इस चोंच वाले पोर्शन में, इसमें आपने कुछ ऐसे सिलाई रखनी है, ऐसे और फिर ये। अब आप देखो इसको मैं आपको सिल के बता रही हूँ। टांके लगाए, टांके के बाद आपने ऐसे करना है छोटा छोटा। ऐसा छोटा छोटा आप इसको करते हुए चलो, ठीक है। ये करा आपने और फिर इसको धागे को निकाल लिया ऐसा, ठीक है। पूरा आस्तीन हमने ऐसे ही सिल लेना है। थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर तक कैसे पहुंचोगे आप। अब देखो मैं यहाँ पर पहुंचने वाली हूँ। जो इसका ही चोंच वाला पोर्शन है हम यहाँ पर पहुंच गए हैं, ठीक है। ये आपने करा। अब आप ये देखो जो आपका ये चोंच वाला पोर्शन है ना, ये आप इसको, इस वाले पोर्शन को आपने इधर नहीं करना है, यहाँ पर नहीं करोगे, इसको आप इतना निकाल दो, ये इतना बाहर ही रहेगा, ठीक है। इसको सिलो आप ऐसे करके, ये सिल लिया और दोनों सिलाइयों को मिला के पूरा इसको सिल लेंगे नीचे को। आस्तीन में आपके पूरा बिल्कुल फिनिशिंग आनी चाहिए, बिल्कुल भी आपने ऐसे अच्छे से करिएगा, तभी लुक ऊपर से सामने से देखने में ज्यादा अच्छा आएगा, आपको कुछ ऐसा दिखेगा। ये कोई बात नहीं, ये आपने ऐसे ही रख देना है, क्योंकि ये तो वैसे भी उल्टी साइड है। मैं आपको दिखा देती हूँ कि इस उल्टी साइड से आपका कैसा आस्तीन आएगा। ये देखो ऐसा कुछ फिनिशिंग आपकी उसमें आनी चाहिए, ठीक है। इसको मैं पूरा ऐसे, हम पूरा दोनों आस्तीनों को राउंड में कर लेते हैं। बाकी मेरे पास इसमें मैं अपने वुडन बटन से, मेरे पास वुडन बटन लगाऊंगी मैं अपने इस साइड में, ठीक है। मैं 4 लगा रही हूँ, 4 बटन्स मैं इस साइड में लगाऊंगी। बाकी मेरे पास है इसमें मैं टिच बटन लगा रही हूँ अंदर से लॉक करने के लिए, तो बटन मैं ऊपर सो पीस के लिए लगा रही हूँ, टिच बटन में अंदर साइड लगा लूंगी, एक इस साइड और एक उस साइड, बड़े वाले टिच बटन है। इसको मैं अपने बनाती हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका पूरा कैसा लुक आ रहा है।